मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है एक नया दिन, आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी हमारे लिए एक स्पेशल डे है। और स्पेशल डे है क्योंकि आज के दिन हमारी मैरिज हुई थी और मैरिज को हमारी हो गए हैं आज 20 साल। 20 साल कंप्लीट हो गए, हमें पता ही नहीं लगा कब तक, कितनी जल्दी 20 साल कंप्लीट हो गए। और ये लगता ही नहीं है कि हमें मैरिज को 20 साल हो गए, लगता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले हुई थी। तो ये है कहानी जी। तो जी आज हम देखो ये इस दिन को स्पेशल बनाते हैं और कुछ एक आज देखते हैं, कुछ सरप्राइज गिफ्ट प्लान करते हैं वाइफ के लिए। चलो अभी थोड़ा सा मिलते हैं आपसे। तो जी आज के दिन का स्वागत ऊपर वाले ने हमारे लिए किया है बारिश से। इतना मस्त मौसम हो गया आज के दिन, बहुत बढ़िया। तो फरवरी चल रही है, 6 फरवरी है आज, स्पेशल है आपको मैंने बता ही दिया। और मैं सोच रहा हूँ कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट प्लान करने की, ना कुछ स्पेशल बना देते हैं आज का दिन। देखो ये तो चलता ही रहता है खर्चा पानी तो, लेकिन कुछ आज स्पेशल बन जाएगा तो और अच्छा लगेगा पार्टनर को। तो चलो चलते हैं, रास्ता देख ही लिया आपने, बारिश हो रही है मस्त। और ऑफिस में भी आज पार्टी देते हैं छोटी सी, हम जलेबी पार्टी करते हैं सभी मिलके। तो आज जलेबी पार्टी करते हैं ऑफिस में सभी। और देखो आज काम भी बहुत ज़्यादा है और इस बीच में टाइम भी निकालना है, गिफ्ट वगैरह खरीदना है, ये भी है। और प्रिंसी को आफ्टरनून के बाद फ़ोन करूँगा शाम की पार्टी प्लान करने के लिए, क्योंकि वही है हमारे घर में ऑर्गेनाइज़र प्रिंसी, वही करती है सब ऑर्गेनाइज करती है पार्टी पूरी, क्या करना है क्या नहीं करना। और मैं तो भैया पहुँचाऊँगा पार्टी में और आज देखते हैं मार्केट निकलते हैं 2 घंटे के लिए और कुछ गिफ्ट प्लान करते हैं, वहाँ से खरीदते हैं कुछ स्पेशल सा जो आज तक मैंने दिया नहीं, कुछ इस टाइप का कुछ देखते हैं। चलो जी चलते हैं ऑफिस। तो जी अगर बात की जाए इस 20 साल के सफ़र की, तो इस 20 साल के सफ़र में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ थोड़ा ख़राब भी हुआ है। और हर प्रोस्पेक्टिव से देखो, लाइक फैमिली वाइज देख लो और रिश्तों वाइज तो ठीक है, हमारा तो कभी ऐसा कोई फालतू का झगड़ा हुआ नहीं आज तक, क्योंकि हम पेशेंस रखते हैं आपस में। अगर मन मोटाव हो भी जाता है तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं आपस में अपने लेवल पे दोनों। तो ये तो कहानी है हमारे पर्सनल उसकी। तो मैं थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने 20 साल के इस सफ़र का। जब मैरिज हुई थी हमारी 2003 में, तो उसके बाद हाँ जी, तो फ़ोन आ गया था एक्चुअल में बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने अपनी बात रोकी। तो हम बात कर रहे थे अपने 20 इयर्स के करियर की, करियर ही है एक लाइफ अपनी 20 साल की लाइफ। देखो जी मैरिज हुई है उसके बाद 7-8 महीने बाद ही सईम के फादर एक्सपायर हो गए, तो वो हमारे लिए एक ट्रेजेडी थी। अगर वो होते तो बहुत कुछ और हम, मतलब फैमिली के साथ हम रहते और काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि उनकी आदत बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छे इंसान थे। तो जी आगे ऐसे ऐसे लाइफ बीती हमारी। उसके बाद 2006 में हमने देहरादून छोड़ा और अपनी लाइफ की नई तरीके से शुरुआत की, अपना बिजनेस छोड़ के सारा कुछ लाइफ को नई तरीके से शुरुआत की। तो जी उसके बाद हम चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ में हमने अपनी नई शुरुआत की बिल्कुल नए थे सिरे से। और किट्टू तो हमारी पहले हो चुकी थी, उसके बाद हमारी जब 2008 हुआ, हम 2 साल हो गए रहते यहाँ और काफ़ी स्ट्रगल की हम दोनों ने और संयम ने भी काफ़ी साथ दिया हर चीज़ में, फैमिली सेटल करने में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कहीं भी आप नई जगह जाओ तो बहुत दिक्कतें आती हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल किया हम दोनों ने। और 2008 में फिर प्रिंसी हुई है और उसके बाद हमने मेरी अच्छी मुझको कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली और करियर में बूम मिला। और उसके बाद धीरे धीरे लाइफ बीतती रही हमारी, प्रिंसी बच्चे भी बड़े हो गए, प्रिंसी भी बड़ी होगी, किट्टू भी बड़ी होगी और धीरे धीरे हमारा टाइम निकलता जा रहा है। तो अब घूमते 20 साल हो गए और करियर वाइज भी अब काफ़ी अच्छा है पहले से, मतलब हम कह सकते हैं। और हमने अपना घर लिया और
दोनों मेहनत करते हैं। तो जी इन्हीं 20 साल हो गए हैं अंदर, पापा भी 2 साल हो गए छोड़ के चले गए हमें। तो ये भी हमारे लिए ट्रेजेडी है, मतलब होते थे तो बहुत खुशी होती थी और हर टाइम फ़ोन करते थे, हर चीज़ के लिए फ़ोन करते थे, डेली का डेली उनका फ़ोन आता था, डेली फ़ोन करते थे कैसा है, मतलब एक हमारी अच्छी बाउंडिंग थी कि भाई हाल चाल पूछना, फ़ोन करना। कभी कभी मैं मतलब थोड़ा सा गुस्सा वुस्सा हो जाता था तब भी फ़ोन करते ही रहते थे, हमेशा फ़ोन करते थे। तो अब जो है देखो वो सब चीज़ें चली गई हैं, पापा भी चले गए, संयम के पापा भी चले गए और काफ़ी नए लोग भी आए हैं हमारी लाइफ में और सब ठीक चल रहा है, बस यही है। और हम कोशिश करेंगे आगे भी अच्छा चलता रहे और हम कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो हम ऊपर वाले की दुआ रही तो हम उसमें भी सक्सेसफुल होंगे, और आप सबकी दुआ रही तो हम सारा अपना जो प्लानिंग हमने बनाई हुई फ्यूचर प्लानिंग वो भी हम करेंगे। और किट्टू के लिए हमने कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ है फ्यूचर के लिए, तो वो भी हम लगे हैं, बस पूरी मेहनत कर रहे हैं दोनों मिलकर। वो भी पूरे दिन शॉप चलाती है और मैं भैया अपना ऑफिस का काम देखता हूँ, तो दोनों मिलकर करते रहते हैं कुछ ना कुछ नया इधर उधर। तो ऐसे हमारी लाइफ चल रही है और आप सबकी दुआ रही, ऊपर वाले की दुआ रही, तो ऐसी ही लाइफ चलती रहेगी और हम अपने जो अधूरे सपने हैं वो भी पूरे करेंगे। तो जी चलो चलते हैं ऑफिस, और ऑफिस में आज छोटी सी हम सबको स्वीट्स वगैरह की पार्टी देते हैं, आज जलेबी खिलाते हैं सबको। बाकी सरप्राइज़ पार्टी में तो आप शाम को शामिल हो गए होंगे, और सारी पार्टी जो सरप्राइज़ पार्टी है हमारी तो मैं आपको शाम को सारा कुछ दिखाऊंगा, और शाम को ब्लॉग करेगी प्रिंस इशू क्योंकि मैं तो थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा। ठीक है जी। तो जी मैंने आपको बताया था आज हमने देनी है पार्टी, जलेबी पार्टी, तो अब चल रही है हमारी जलेबी पार्टी, दिखाता हूँ। ये है जलेबी और ये है गोयल साहब जलेबी खाते हुए। हैप्पी एनिवर्सरी सर। थैंक यू। अरे बापे हैप्पी एनिवर्सरी सर। धन्यवाद। हाँ जी इधर थैंक यू। कितने साल हो गए सर? 20 साल हो लिए भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी ये जलेबी पार्टी चलती है हमारी सबकी। प्रधान क्यों है बंदा? आज मीठा सही है बिल्कुल एकदम। आज होना ही था। बोलो थोड़ा पानी डाल दे हमारे यार। स्पेशल ऑर्डर ही आज। एनिवर्सरी स्पेशल जलेबी। थोड़ा पानी ज्यादा ला दो। जलेबी बढ़िया चल रही है। बढ़िया सर, एक नंबर। सब चीज आती है, खाना रोटी पानी सब, कपड़े भी धोने जो मर्जी करवा लो। और बोलो यही तो है 20 साल की शादी का फायदा, मैरिज होने वाली है, सुखे का ब्याह होने वाला, सुखे के ब्याह में चलेंगे बिल्कुल पाकिस्तान के एकदम बॉर्डर पे। एक दिन पाकिस्तान जाएंगे, एक दिन इंडिया आएगा। और जिसने भी सुखे के ब्याह में पंगे लिए उसको बॉर्डर टपा देना पड़ला। चलो भैया बाबे का रिव्यू है। हाँ बाबे तेरा रिव्यू क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी। नहीं वो तो किस चीज का रिव्यू वो बताओ? शादी का सुखे की शादी में चलेंगे हम। नहीं अपनी की बात कर। शादी भगवान की दुआ से अच्छी चल रही है। वाह बहुत बढ़िया लगता तेरी शक्ल से ना। अंदर से कैसे चल रही है? ये बाहरी मन से बता रहे हो आप? नहीं अंदर से भी बढ़िया चल रही है, ऐसा नहीं है। बाकी एक्सपीरियंस गोयल साहब से कम है। बाबे को जो धर्म पत्नी मिली है पूरा ख्याल रखती है बाबे का अच्छी तरीके से। आपकी जो मैरिज लाइफ है कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। कुछ नया एक्साइटमेंट? नहीं एक्साइटमेंट, खाना टाइम से मिल जाता है और क्या चाहिए। बस मतलब खाने के चक्कर में बीवी ले गए भाई? नहीं खाना भी है, बहुत सारे बेनिफिट है जैसे कि
केयरिंग लविंग ये सब चीजें मिलती है बढ़िया चल रही है इन्हें अंग्रेजी आती है इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में बता रहे हैं आपको केयरिंग लविंग हाँ चलो जी तो जी आज के दिन भी काम फंस गया है और काम बहुत खतरनाक फंस गया है हमारी वाट लग गई अच्छी तरीके से काम हुआ नहीं ख़त्म और ऐसे ही जाना पड़ रहा है कुछ और इशू है कोई और टीम देखेगी आ गया तो जी आज का पूरा दिन ख़राब हो गया हमारा और आज घर भी जाना था जल्दी वो भी ख़त्म हो गया काम 7 बजने वाले हैं सब ऐसे ही पेंडिंग पड़ा है क्या करें और देखो टीम भी लगी है तो जी अमित से मिलो आप हाँ भाई अमित ये अंदर बैठा है ऑफिस में इसकी ड्यूटी चल रही है स्टार्ट हो रखी है हाँ भैया अमित करो हेलो हाय हेलो करो भैया कर सर सबसे पहले तो आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसे ही खुशहाल बने रहे आपका जीवन जुगो जुगो तक बना रहे परिवार सुख शांति में जिए अच्छा जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आज का दिन बढ़िया गया सर किसके लिए कैसे गया बढ़िया मेरे लिए तो सही गया सर तेरे लिए सही गया हम तो यहाँ से सुबह से लगे पड़े हैं हमारा तो काम ही खत्म हो लिया आज का और उधर प्रधान जी लगे हैं रूल एग्जिट एग्जिट और एंट्री मारने में तो ये चल रहा है जी यहाँ पे बस अब ये भी काम खत्म करके अब साथ में निकलते हैं यहाँ से और आपने अपना प्लान नहीं बताया सर क्या प्लान है प्लान खत्म हो गया ओवर हो गया प्लान अब देखो 7 बज रहे हैं तो पूरी फैमिली डिनर होगा जाना था ओ कैंसिल हो गया अब कैंसिल ही समझ लो अब कहाँ टाइम है यार चलो चलते हैं और क्या टाइम नहीं है भैया क्या करें चलो यहाँ से ऑफिस से विदा लेते हैं ठीक है भैया ऑफिस से विदा चलते हैं घर रास्ते में दोस्त हैं कुछ क्या सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर शेयर कीजिए हमारी वीडियोस प्लीज प्रीति साइनी व्लॉग्स मत भूलिए देखने के लिए और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज थैंक यू तो जी पार्टी चल पड़ी है यहाँ से ऑफिस से निकल रहे हैं हम साथ तीनों निकल रहे हैं वो काला मतलब काम करके सॉरी काम पार्टी तुम आ जाओ यार चलो पार्टी करते हैं चलो सारा सेक्टरेट खाली है और हम घूम रहे हैं हम तीन हैं देखो पीछे से हम तीन वीरा ने ये देखो तो जी गिफ्ट वगैरह हमने ले लिया है फर्स्ट टाइम लिया है हमने पहली बार गिफ्ट लिया है कुछ महंगा सा गिफ्ट देखो शायद पसंद आए ना आए पता नहीं है ले तो लिया है मैंने अपने हिसाब से जो मुझे अच्छा लगा और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता मैंने ली है गिफ्ट वो मैं आपको क्या बताऊं घर जाएंगे तभी देख लेना ठीक है जी और देखते हैं आप शायद अब घर पे तो कुछ करने का है ही नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं बचा अब हम चलते हैं बाहर कहीं बाहर ही डिनर करते हैं बाहर डिनर का प्लान बनाते हैं वहीं चलते हैं वहीं देखते हैं ठीक है तो जी घर पहुंचने वाले हैं रास्ता ऑलमोस्ट कवर हो गया सारा तो आगे का जो ब्लॉग है वो प्रिंस ही करेगी कंटिन्यू क्योंकि अभी मैं गया हूँ थक बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑफिस में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी जिनके चक्कर में आज पूरे दिन लगा रहा ठीक है जी तो आगे का ब्लॉग जो है प्रिंस ही कंटिन्यू करेगी सो गाइस पापा मम्मी के लिए वो एनिवर्सरी का गिफ्ट लेके आए हैं मम्मी की खुशी देख इधर आओ पापा दिख नहीं रहे इधर आओ
सो गाइज मम्मी को पापा के लिए लेके आई है ये स्वेट शर्ट सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बाहर खाना वगैरह खाने और सिम्बा को घर पे छोड़ा है हमने कल ले पहले वो साथ में हमारे साथ सीढ़ियों पे आ रहा था फिर हम घर पे छोड़ के आए हैं अभी देखते हैं कि कहाँ जाते हैं गाइस हमने केक ले लिया है एंड अभी हम देखते हैं कि कहाँ पे खाना खाते हैं कहाँ पे रुकते हैं केक हमने रिलायंस से लिया था वैसे बाद में दिखा दूंगी अरे ऐसे इतना मत खोल उसको नहीं बोल हैप्पी 20th एनिवर्सरी अब भी खिला दो फिर लोग कहते हैं भैया इतने चुप चुप से बैठे रहते हैं सो गाइज अभी हमने हल्दीराम्स में आए हैं हमने मंगाया सिर्फ फ्राइड राइस और मंचूरियन नूडल्स एंड बाकी अभी देखते हैं पापा रिव्यू ठीक है खाओ ठीक है खाना खा लो सो गाइज अभी हम आए थे कार्ल्स जेआर यहाँ पे तो अभी बर्गर वगैरह मंगाया है हाँ सो गाइज अभी हम खा के निकल चुके हैं एंड अभी हम घर जा रहे हैं और आज बड़े टाइम बाद में हम भी आ रहे हैं बड़ा टाइम मतलब हो गया महीना हो गया ऑलमोस्ट और यहाँ पे टाइम क्या हो गया लेट हो गया हम तो वो शोरूम्स भी बंद हो गए सो गाइज अभी हम घर पे आ चुके हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके और घर पे सिम्बू वेट कर रहा था सिम्बू को इतनी खुशी हुई जब हम घर पे आए एज ऑलवेज और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड सबसे पहली बात कि आप इस चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो हम हमारे 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो एंड मम्मी पापा की तरफ से सॉरी मैं फंबल कर रही मम्मी पापा की तरफ से आप सबको थैंक यू बेस्ट विशेस देने के लिए ये क्या कर रहा है सबको थैंक यू बेस्ट विशेस देने के लिए और मम्मी पापा ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया दोनों को बहुत पसंद आया और इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो एंड कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा एंड मम्मी पापा की 20th एनिवर्सरी थी ये हाँ
तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। सिंबू ने भी बाय बोल दिया।